मैं मंच पर सुजीत राय जी सर को और प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहूंगा, इस बच्ची को मेडल देकर सम्मानित करें। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इनके परफॉर्मेंस को देखकर हमारा कॉन्फिडेंस जरा हो गया है कि इतनी छोटे सी बच्ची में इतनी उमंग जो काबिले तारीफ है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इन छोटी सी बच्ची का। मैं फिर बीच में माइक इसलिए लिया, योगेंद्र सर आपके लिए लिया, क्योंकि जो चीज मैं देख रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, समाज का काला सच कहीं ना कहीं जेल के अंदर दिखता है, कैसे थानेदार और कैसे कोर्ट कचहरी। आपने जो भी कहा वो आउटस्टैंडिंग पूरे सच को आप सामने लाए थे। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कुछ लोग तो हैं जो ये समझ रहे हैं कि थाना कर क्या रहा है, कोर्ट कचहरी कर क्या रहा है। वास्तव में दिलों के झगड़े आपस में ही बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। थाना और कोर्ट कचहरी का ईंटा ईंटा पैसा मांगता है महाराज, इसको बंद करने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं दो शब्द बोलने के लिए सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। ट्रेनर सर आएंगे मंच पर और दो शब्द बोल लेंगे। हाथ से के खौफ से क्या, हाथ से के खौफ से क्या, घर बनाना छोड़ दे, जल जले के खौफ से क्या, घर बसाना छोड़ दे, प्यार तो एक दिन टूट कर रहेगा मगर टूटने के खौफ से क्या, दिल लगाना छोड़ दे, टूटने के खौफ से क्या, दिल लगाना छोड़ दे, वाह वाह, दिल लगी में, दिल लगी में, दिल लगी थी हिल गई, दिल लगी में, दिल लगी थी दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया, तुम जो हंसती हो तुम्हारा क्या गया, मैं जो रोता हूँ तो मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। जमाने पूर्व की बात है जब मोबाइल का युग नहीं था, खतों से सारी बात हो रही थी। शहर में रहने वाला एक पति अपनी नवविवाहिता को एक खत लिखता है और सायरा ने अंदाज में कुछ बात करता है सर। उसने लिखा, एक पहुंची तुझको भेजी थी, एक पहुंची तुझको भेजी थी, क्या पहुंची तुझको पहुंची थी, गर पहुंची तुझको पहुंची थी, लिख भेजो कि पहुंची पहुंची थी। पहुंची मतलब खत होता है, पहुंची मतलब चिट्ठी होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात उस जमाने में लोग बाथरूम नहीं हुआ करते थे, कुएं से नहाया करती थी, रख दी खत को और कौवा लेके भाग गया। तो उसका जो वो जवाब देती है जरा सुनेंगे, जो भेजी आपने पहुंची, जो भेजी आपने पहुंची, नहाने जब भी वो पहुंची, कोई कम वक्त आ पहुंची, चुरा ले गई पहुंची, न जाने कहां पहुंची, यहां पहुंची वहां पहुंची, खुदा जाने कहां पहुंची। इसी के साथ फार्मेसी कॉलेज सर जरा बोल रहे थे, क्योंकि आप जैसे सरीखे विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं हल्का सा एक कड़ी फेंक देना चाहता हूँ कि युवक वही जौहर वाला, रामधारी सिंह दिनकर, कि युवक वही जौवन वाला जिसका जौवन उठनाता है, जौवन विहीन युवकों से माता का दूध ले जाता है, माता का दूध ले जाता है। और हमें आज बड़ी गर्व और खुशी होती है जब हमारे जेल अधीक्षक महोदय यहाँ पर बैठे हैं। जेल हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में
उसे चंद लोगों ने बर्बाद कर दिया, नजरिया बदल गया, लेकिन काश जेल नहीं होता तो दुनिया को गीता का ज्ञान नहीं होता और बांसुरी की मधुर झंकार नहीं होती, राधा की प्रेम पिपासा नहीं होती। जेल हमारी प्रयोगशाला है। वैसे प्रयोगशाला के अधीक्षक साक्षात कृष्ण यहाँ पर मौजूद हैं। साक्षात आप मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप बराबर आते रहें और जहाँ से आप आते हैं वहाँ के एक कवि काका हाथ रसी हुआ करते थे, जो पद्मश्री से अलंकृत थे। जब अपने देश में सलवार की धूम मची, समाज ने बड़ा नकारा। साले का जब वर्चस्व आया तो समाज ने नकारा। तो उस पर एक कविता है सर, हम जरा साला महिमा आपको सुना देना चाहेंगे क्योंकि मैथिल जमी हुई है। काका हाथरसी ने लिखा, हे दुनिया के संतप्त जनों, पत्नी पीड़ित निकल मानो, कुएं प्यासे पर आया मुझ बुद्धिमान के बात सुनो। यदि अपनी सफल करानी है, यदि सचमुच पुण्य कमानी है, एक बात मेरी जानो, साले को अपना गुरु मानो। छोड़ो माँ बाप बेचारे को, छोड़ो माँ बाप बेचारे को, छोड़ो बचपन की यारों को, कुल गांव बंधुबान धब छोड़ो, छोड़ो सब रिश्तेदारों को, छोड़ो प्रतिमाओं की पूजन, पूजो दीवाल की याले को, पत्नी को रखना है प्रसन्न तो पूजो पहले साले को। क्योंकि क्योंकि गंगा की तारुणी शक्ति घटी, गंगा की जो उफान थी वो सरजनी को छू रही है। उसी पर कहा, क्योंकि गंगा की तारुणी शक्ति घटी, जमुना की पानी छिन्न हुई, काशी की करवट व्यर्थ हुई, मथुरा भी दीन मलिन हुआ, अब कलयुग में ससुरार तीर्थ जीवित जागृत। जानो रे, यदि अपनी सफल करानी है, साले को पंडा मानो रे, साले को पंडा मानो। मैं पवन कुमार, एनएचएम ट्रेनर, स्टेट ट्रेनर, बागपत। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा अभी हमारे सर सुना रहे थे हम लोगों को। अब मैं, चावल में दूध डालो तो उसे खीर कहते हैं, चावल में दूध डालो तो उसे खीर कहते हैं, आपके लोग के जैसे चाहने वाले हो तो उसे हमारी तकदीर कहते हैं, तकदीर कहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। अपनी जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्तों, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। तो इसी विश्वास के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इस मंच पर अगली प्रस्तुति के लिए एक डुएट डांस है मिक्स सॉन्ग पर बाय निशा एंड टीम के द्वारा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपने कला का प्रदर्शन करें। निशा एंड टीम, मेरी
क्योंकि आप किसी से कम नहीं है, आप इस परफेक्ट फार्मेसी कॉलेज की एक जान है, तो आपको अपनी सारी जान लगा देनी है। तो दोस्तों, मैं अब इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और मंच पर अब अगली प्रस्तुति पेश करने जा रहा हूं, जो एक ड्रामा है, नशा मुक्ति, सिंटू एंड टीम्स के द्वारा फर्स्ट ईयर। जहां कहीं भी है, जल्द से जल्द मंच पर आए और अपना प्ले परफॉर्म करें। सिंटू एंड टीम, मंच पर बिखरे हैं फूल, मंच पर बिखरे हैं फूल जिनके खिलने से मंच पर फिजा आई है, मंच पर बिखरे हैं फूल जिनके खिलने से मंच पर फिजा आ गई, मंच पर बिखरे हैं फूल जिसके खिलने से मंच पर फिजा आ गई। हमने भी लगाए थे फूल, हमने भी लगाए थे फूल, पर खिलने से पहले बकरी खा गई। जोरदार ताली हो जाए मेरे दोस्तों, बकरी से बच के रहना है ताकि आपके फूल को वो खा ना जाए। एक नर्सरी क्लास के बच्चे की मैं व्यथा सुनाना चाहता हूँ। बच्चा बड़ा ही अबोध होता है, बच्चा बड़ा ही अबोध होता है। नर्सरी क्लास में एक पढ़ने वाले बच्चे की व्यथा है। नर्सरी क्लास के बच्चे से किसी ने पूछा कि बताओ भगवान कहाँ है। बच्चा बड़ा अबोध था, वो जो देखता था वही अबजद करता था। तो बच्चे ने कहा कि हमारे बाथरूम में। सबने पूछा भाई भगवान और बाथरूम में, टीचर तुम्हें कैसे पता। टीचर ने पूछा अच्छा बताओ बच्चे कि तुमने कहा कि भगवान बाथरूम में है, तो बताओ कैसे। बच्चा बोला मेरे पापा रोज सुबह बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं हे भगवान तुम अब तक अंदर हो। तो जबरदस्त ताली हो जाए इस बच्चे के लिए भाई। बच्चे को क्या पता है, वो जो देखेगा वही बताएगा और वही आपके सामने बोलेगा। बिट्टू प्ले के लिए तैयार है, जल्दी से आ जाइए आप मंच पर।
जा अपना काम कर। अरे सुन, कुछ खाने को है? खाने को करने कुछ नहीं है। क्यों? कमाते लेके आओगे तभी तो खाने को मिलेगा, जो कमाते हो सारा शराब में उड़ा देते हो, कहाँ से खाने को मिलेगा? ऐसा कर, सैनी साहब की दुकान से ले आ। अरे अरे सैनी मना कर रहा है, वो उधार नहीं दे रहे हैं। अबे सैनी की तो ऐसी की तैसी, उसे कहो हम खा के कहीं भाग जाएंगे क्या? जिनका जिनका खाया है उनका नहीं दिया है क्या? सुन सुन सुन, पैसे रखे हैं? पैसे नहीं है, मैं क्या कमाने जाती हूँ? हर वक्त कमाने कमाने, हर वक्त काम काम करते रहती हो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, एक पौवा तो दे दो। पैसे लाए हो? पैसे ये लो, पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। रुको रुको, अरे जल्दी दो, रुको रुको, सबर करो। अरे दोस्त माधव, बड़े दिनों के बाद मिले हो। हाँ दोस्त। अरे दोस्त, आज तुम बहुत दिनों के बाद मिले हो। आज हम दोनों भाई मिल के दारू पियेंगे, मस्ती करेंगे, आज काम पे भी नहीं जाएंगे। ऐसे तो तुम बहुत पहले से खुल लग रहे हो। चलो बैठ के शराब पीते हैं। पीले पीले अमर राजा, पीले पीले अमर जानी, यार की है यारी दीवानी। पीले पीले अमर जानी। अरे दोस्त, मुझे तो भूख लगी है, मुझे घर जाना है, कुछ खाने को मिल ही जाएगा। अरे दोस्त, कुछ पैसे दे दो, घर में बहुत जरूरी काम है, कर्ज के रूप में फिर कभी मैं दे दूंगा। दोस्त कब आएंगे पम में? लो पैसे लो। शुक्रिया मेरे दोस्त, फिर कभी मिलते हैं। सरला, ओ सरला, दरवाजा खोलो सरला। अरे तुम आज फिर शराब पी के आए हो? हे भगवान, ये दिन निकलने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? चुप, मुझे भूख लगी है और तुम बकवास किए जा रही हो, मुझे खाना दो। खाना कहाँ से लाऊं? घर में आलू नहीं है, प्याज नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? पैसे नहीं है, ये क्या है? नहीं नहीं, ये पैसे बच्चों के फीस के लिए हैं, मैं ये नहीं दे सकती। मैं दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ ताकि ये पैसे बच्चों के फीस जमा कर सकूं। मैं ये पैसे मुझे क्या? तुम नहीं, कुछ भी करो। नहीं नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुको, ले जाओ यहाँ, थोड़ा सब्र करो। ओ
Thank you.
के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मेरे भाइयों और बहन, मैं तो समझ गया, अब आप भी समझ जाओ, इस शराब से कई परिवार टूटे हैं, मेरा तो मेरी बेटी ने बचा लिया, पर हर किसी में ऐसा नहीं होता। अब आप लोगों को समझना है, ये नशा सिर्फ एक जहर है, एक ऐसा जहर जो जिंदगी बर्बाद कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही अच्छा मैसेज पूर्ण ये ड्रामा था हमारे जूनियर्स के द्वारा, जिन्होंने ये शानदार प्रस्तुति की कि शराब जो है आज कितने ही घरों को बर्बाद कर चुकी है, कितने ही लोग बर्बाद हो चुके हैं शराब से। हमारे सर स्टेज पर आ चुके हैं, ये टीम स्टेज पर पहुंच जाए, सर कुछ अप्रिशिएशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत नजदीक से इस त्रासदी को देख रहा हूँ, लगभग 250-300 के करीब में बंदी शराब में आते हैं हमारे मेरे यहाँ, और उनकी टूटन, उनकी पीड़ा, उनकी उनके कष्ट को बड़ा नजदीक से देखा। लेकिन इस ड्रामे ने जिस तरह से मुझे प्रभावित किया है, तो मैं इन सब पूरी टीम को आमंत्रित करता हूं कि जब भी इनके पास किसी एक दिन खाली समय होगा, हम लोग इस ड्रामे का मंचन अपने कारा में भी कराएंगे। और अभी मेरे तरफ से इनको प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपए का नगद पुरस्कार मेरे तरफ से। प्रिंसिपल सर से आग्रह है कि सर अपने हाथों से देते, सर आ जा सर, प्रिंसिपल सर। बात पैसे की नहीं है, बात एप्रिसिएशन की है, बस इसी पर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत हमारे लिए एक रुपया भी काफी कीमती है अगर वो एप्रिसिएशन के स्वरूप में हमें मिलती है। जो मुख्य एक्टर थे, मुझे तो लगा कि अगर उत्पाद निरीक्षक आ जाए तो इनको ब्रेथ एनालाइजर में ऐसे ही ले जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। हमारे टीम ने अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसे आप देख रहे थे इस मंच के माध्यम से, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बांका, आप लोग इसके गवाह हैं, इस नाटक के, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे समाज को दिया कि नशा क्या होता है। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए Moving further, I would like to call for a group dance, that is Lazy Dance by Bablu NT upon the stage. So let's put the hands together and call him on the stage. Come on boys! Bablu NT! Bablu NT! आप सभी को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, और मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो मानव नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी टीम के साथ एक ग्रुप डांस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। चश्मा लगा
सुनो गौर से दुनिया वालों, ये हमारे सर हैं, जाने वाले सर, अभी आपको एक परफॉर्मेंस देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोस्तों, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अरे अभिषेक जी को भी साथ में भेजा जाए। इस स्टेज पर भी आना है सामने।
आपका फोन रिश्ता हमारी सरकार का सारे रंग जमा दिया है मंच पर फाड़ दिया भाई फाड़ दिया भाई को भी मेरे तरफ से गोपाल ने उसका पूरा शान दिखा दिया भाई बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार तालियां हो जाए अब ये निश्चित है कि भविष्य सुरक्षित हाथों में है जहां का टीचर आता है वेलकम वेलकम वाह थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच अभिषेक तुम्हारे लिए चुनौती है अब तुम इससे आगे कैसे जाओगे बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाजवाब थैंक यू सो मच सर थैंक यू क्या जवाब दिला दिए उड़ जाए उसे छक्का कहते हैं जो भीड़ में लग जाए उसे धक्का कहते हैं उड़ जाए उसे छक्का कहते हैं जो भीड़ में लग जाए उसे धक्का कहते हैं कलाकार ने बता दिया हमको क्यों उसे मंच का इक्का कहते हैं तो जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों मेरे चंदन सर के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था चंदन सर अब मैं अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मंच पर मैं शिवम को बुलाना चाहूंगा मुकाबला डांस के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मेरे दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए तालियां लुकनी नहीं चाहिए आपके बीच कलाकार बहुत ही मेहनत से अपने हुनर को दिखाने के लिए आते हैं आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसकी हुनरमंदी का कद्र करें जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए Thank you.
बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस था अभी जो आप देख रहे थे मिस्टर शिवम कुमार के द्वारा मुकाबला। बिट्टू जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द मंच के पास आए, आपका नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है बिट्टू एंड टीम। हेलो बिट्टू जी, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारे महफिल किसान, ऐसे ही लोग हैं हमारे महफिल किसान। जल्द ही नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा होने वाला है, बिट्टू एंड टीम्स स्टेज पर पहुंचे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। हो गया अब मैं मंच पर एक बार फिर हमारे विशिष्ट अतिथि सुजीत कुमार राय जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और हमारे एम्प्लॉयज को प्राइज वितरण करेंगे। सुजीत सर, जोरदार तालियां हो जाए मेरे दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। डीआईओ सर, आप भी मंच पर आ जाइए। चंदन के पीछे छोड़ हार को जीत ही एक दुआ मिल गई, हार को जीत ही एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। जोरदार ताली हो जाए हमारे चीफ गेस्ट के लिए जो अभी मंच पर विराजमान है, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अमित जी हमारे सफाई कर्मी अमित जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर आपका कैंपस गंदा हो तो बहुत ही खराब लगता है, और ये हमारे कैंपस की रीढ़ की हड्डी है जो समय समय पर हमारे कैंपस को एक खास फिजा प्रदान करते हैं, कचरे मुक्त करते हैं। ये एक ऐसे रीढ़ की तरह है जिसके बिना ये कॉलेज अधूरा है। मैं अमित जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अमित जी मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए सिंधु जी के लिए, अमित जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए अमित जी के लिए। अब मैं मंच पर पिंकी जी को बुलाना चाहूंगा। ये भी हमारे इस कॉलेज के सुपर स्टाफ है। मैं अब उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। पिंकी जी अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो जल्द से जल्द मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोस्तों।
जल्द से जल्द पिंकी जी, सफाई एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी घर अधूरा होता है, और ये हमारा प्रांगण इनके बिना अधूरा है, तो जोरदार तालियां हो जाए पिंकी जी के लिए। अब मैं मंच पर सोहन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सोहन जी मंच पर आए। सोहन जी हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जल्द से जल्द मंच पर आए। देव, मिस्टर देव, देव मंच पर आए। ये सब हमारी एक शान है इस जेपीसी कॉलेज की, जो इसके सफाई में चांद चांद लगाते रहते हैं, और इनकी हौसला अफजाई होना बहुत ही जरूरी है। सोहन जी आप, मैं सिंटू जी को आवाज देना चाहूंगा। सिंटू जी मंच पर आए। सिंटू जी हमारी आवाज पहुंच रही है सिंटू जी तक, तो वो जल्द से जल्द मंच पर आए। ये हमारे इस कॉलेज के माली जी हैं, इनको भी इन्होंने कॉलेज को इतना खूबसूरत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जोरदार ताली हो जाए सिंधू जी के लिए। सोहन जी अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप मंच पर जल्द से जल्द आए। सोहन जी जोरदार ताली हो जाए सोहन जी के लिए। अब मैं इस कॉलेज के गार्ड बंटी जी को बुलाना चाहूंगा। बंटी जी हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मंच पर आए। बंटी जी मेरे कॉलेज की ये शान है जो बहुत ही लगन और मेहनत से दिन रात कॉलेज के गार्ड स्वरूप अपना कर्तव्य निर्वहन करते रहते हैं, तो जोरदार ताली हो जाए सिंधु बंटी जी के लिए। मैं मंच पर विकास जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। विकास जी ये भी हमारे कॉलेज के गार्ड है, जो कॉलेज में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, बहुत ही लगन और मेहनत से अकेले रहकर इस कॉलेज की रक्षा करते हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए विकास जी के लिए। अब मैं मंच पर इस कॉलेज की लेडीज गार्ड बेबी खुशबू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। खुशबू जी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। अब मैं मंच पर कनकई देवी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो मंच पर आए। ये भी हमारे कॉलेज की लेडीज गार्ड है। अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप मंच पर आए। अब मैं मंच पर जो सबसे महत्वपूर्ण इस कॉलेज का हिस्सा है, आप सभी को पता होगा कि पेट का रिश्ता सीधे दिमाग से होता है, तो मैं इस कॉलेज में जो हमारे बच्चों को मेस के स्वरूप खाना खिलाते हैं और खाना का सारा इंतजाम करते हैं, जिसके बदौलत हमारे बच्चों का पेट भरा रहता है, वो खुश रहते हैं। मैं मंच पर राजेश तिवारी जी को आवाज देना चाहूंगा, वो मंच पर आए।
राजेश तिवारी जी, ये इस कॉलेज के सबसे अहम हिस्से हैं, क्योंकि सारा दारोमदार इन पर है कि बच्चे कैसे स्वस्थ रहे, और इन्होंने बखूबी इसको निभाया है। जोरदार ताली हो जाए राजेश जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। एक अच्छी परंपरा भी एक बहुत अच्छी परंपरा है कि जो भी हमारे खासकर जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उनको सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि आपके कॉलेज का या बेस वही होता है या किसी भी संस्था का बेस वही होता है। आपकी संस्था में आते ही सफाई और पेड़ पौधों ने आकर्षित किया था, तो उनको सम्मानित करके हम लोगों ने एक प्रकार से जो कहा जाए कि महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जाए तो सीधे ईश्वर को सम्मानित किया है। बहुत आभार पूरी कॉलेज टीम का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं मंच पर अगले कार्यक्रम के लिए बिट्टू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा सोलो डांस के लिए। बिट्टू जी अब मैं मंच पर आवाज देना चाहूंगा रिया कीर्ति जी को, वो मंच पर आए और अपना परफॉर्मेंस दे। अब अगली परफॉर्मेंस आपको रिया कीर्ति के द्वारा दी जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। क्या बात है, तालियां बहुत ही कम हो गई है, क्या आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया? फिर से गुलकोंडी पी लीजिए दोस्तों, एनर्जी बनाए रखना है, बचाए रखना है, इस मंच को सजाए रखना है, और इसमें आपकी तालियां ही काम आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी तालियां। अरविंद जी, ए अरविंद जी, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी हूँ मस्त। Yeah.
का अफरीन, दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नज़ीर, शाही जोड़ा पहन के आई जो बनू खान के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्मा इस बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शाही जोड़ा पहन के आई जो बनू खान के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, है तू हम के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। जोरदार तालियां हो गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम अभी चल रहा था, आप लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे। अब मैं अगले सॉन्ग की ओर बढ़ना चाहूंगा। अगला परफॉर्मेंस आपके बीच जल्द ही प्रस्तुत होने वाला है। सुशांत जी जल्द से जल्द मंच पर पधारिए। सुशांत जी अगला परफॉर्मेंस बहुत ही जोरदार होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस होने वाला है। फिर थाम के बैठिए, आपके बीच आ रहे हैं इस कॉलेज के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार। प्ले करिए। Thank you.
बहुत ही जोरदार बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अभी जो आप इतनी खूबसूरत अदाओं से नाचते हुए हमारे टीम को देख रहे थे, हमारे कलाकार को देख रहे थे, इसमें बहुत ही बड़ा योगदान हमारे बिट्टू जी का था जिन्होंने परिधान स्वरूप इनको इस गेटअप में लाया था। तो बिट्टू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। अब अगले परफॉर्मेंस के लिए बिट्टू जी को आवाज देना चाहूंगा मंच पर। है के पान बनारस वाला सोलो डांस सुशांत जी, सुशांत जी आप मंच पर आइए। सुशांत जी अभी जो आपने परफॉर्मेंस दिया आप मंच पर आए तभी आपका इंटरेस्ट होना चाहती है। तो आपकी हर आना पर लोग जानने खबर कर रहे थे अभी बेहतरीन ये जो कट थी उस पर मैं से कहना चाहूंगा कि आंख है कातिल भौ है कातिल, आंख है कातिल भौ है कातिल, तेरा दिल दिल कातिल आईना है कि आईने के मुताबिक कातिल, और मुझको डर है लड़ न जाए कातिल कातिल और है लड़ न जाए कातिल। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच सर। इसी बात पर मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई, लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई। बोलिए बाबा, बोलिए बाबा। लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई, मजनू ने इतने लव लेटर लिखे कि लैला पोस्टमैन के साथ भाग गई। एक और नजारा है दोस्तों कि लैला की शादी में लफड़ा हो गया, लैला की शादी में लफड़ा हो गया। बोलिए मामा, बोलिए मामा। लैला की शादी में लफड़ा हो गया, बोलिए मामा। आज मजनू नाचा इतना कि साला लगड़ा हो गया। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। मैं अब अगले कलाकार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बिट्टू, बिट्टू जी मंच पर आए। बिट्टू जी, ओ आ जाए कलाकार। तालियों के लिए तैयार हो रही है दोस्तों। आज की शाम रंगीन होने वाली है जीपीसी बांका के इस प्रांगण में। प्ले द सॉन्ग आई के पान बनारस वाला साउंड। कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर इनका। ये न्यू बॉयज है, अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। जल से स्टेज पर बुला रहे। उसने मुस्कुराकर इस अदा से दवा दी, उसने मुस्कुराकर इस अदा से दवा दी, ऐसा लगा जैसे गलतफहमी को हवा दी। तो कोई गलतफहमी का शिकार ना हो ये दोस्तों। सीन टू एंड टीम मेरे दुख की कोई दवा ना करे, मेरे दुख की कोई दवा ना करे, मुझको मुझसे अभी जुदा ना करे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सिंटुएन टीम्स का जो प्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस।
कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? 12 रुपया। आप पे कुछ हमिया क्या हुआ बताइए, जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन दिया तब तो तुम नहीं कहते हो। चम्मक चलो, क्या हो गया आपको हमसे? गाना सुना देते हैं आपको।
परफॉर्मेंस। जीत ले लो भाई, हमारी ऑडियंस गौर फरमाइएगा। चंदन सर के लिए खास, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, हमारा शहर भी कोई लंदन से कम नहीं। जहाँ बरस रही है आप सभी की मीठी तालियां, जहाँ बरस रही है आप सभी की मीठी तालियां, ये हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं दोस्तों। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे कलाकारों के लिए। बहुत ही अच्छा समा बना है हमारे कलाकारों के द्वारा। हिंदुस्तानियों का नशा, हिंदुस्तानियों को नशा चाय का है, हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है, सॉरी सॉरी, हिंदुस्तानियों को नशा चाय की प्यालियों में होता है, लेकिन एक कलाकार का नशा सिर्फ तालियों में होता है दोस्तों, सिर्फ तालियों में होता है। तो जोरदार ताली बजाइए हमारे कलाकार के लिए। अब मैं मंच पर अगले कंटेस्टेंट को, मेरा फोन वहां पे है, मेरा वहां पे नहीं। आज हमारा जो कार्यक्रम है आरएमई 2K23 बिजनेस, ये स्पेशल फॉर फ्रेशर्स पार्टी है, तो मैं चाहूंगा कि अब मिस्टर फ्रेशर्स एंड मिस फ्रेशर्स के लिए कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया शिवम। अब मैं ऑडियंस क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि ऑडियंस तैयार रहे इस क्वेश्चंस के लिए। जिसको भी ये क्वेश्चंस आता है वो हाथ खड़ा करेंगे, मैं उनसे सवाल करूंगा और उसका जवाब अगर आपको पता होगा तो आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है? मैं किसी एक को रैंडमली चुनूंगा फिर। तो ऑडियंस आपके पास सवाल आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जापान के लोग, केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं, बताइए। हाथ खड़ा करिए जिसको भी इस सवाल का आंसर आता है दोस्तों। आपके बीच माइक पहुंच चुका है, आप अपना आंसर देंगे। हाथ रेस करिए, सीनियर्स नहीं पहले जूनियर्स को प्रिफरेंस है। जूनियर राइट आंसर मेरा, सर का भी हम आंसर जानना चाहेंगे। सर से आंसर लिया जाए, सर ने भी हाथ रेज लिया है, सर से भी आंसर लिया जाए। केला खाने के बाद छिलका भी खा जाते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब है, अब इसे कंसीडर किया जाएगा। और कोई, और कोई बंदा जो बताना चाहता है इस सवाल का आंसर, तो अभी तो बहुत ही सही जवाब आया है, केला का छिलका केला खाने के बाद फेंक देते हैं दोस्तों। केला का छिलका हम लोग नहीं खाते हैं। जोरदार ताली हो जाए ऑडियंस के लिए। मैं अगला सवाल ऑडियंस राउंड में ही जाऊंगा। कौन से बुक से पैसा निकलता है, कौन से बुक से पैसा निकलता है, हैंड रेज करेंगे ऑडियंस। एक एक कर चेकबुक। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। नेम कंसीडर करते जाएंगे माइक वाले, आप नेम भी कंसीडर करते जाएंगे कि उन्होंने किसने किसने जवाब दिया। राइट आंसर है इसका चेकबुक, चेकबुक से ही पैसा निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे ऑडियंस, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा, यहाँ तो हमारी ऑडियंस बहुत ही समझदार है, खासकर न्यू बॉय। बहुत ही अच्छा जवाब, उसे कुछ भी कहेंगे जब वो सुन ही नहीं सकता क्या फर्क पड़ता है उसे क्या बोला जा रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। Give an example of English word which contain A to F letter. Hands raised. Give any example of English word which contain A to F letter. A to F letter. A to F letter. कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें A to
F letter आता है. Hands raise करेंगे. Anybody can dance in foreign? Later. What? What sentence? ऐसे words है. इसमें A B F आता है. एस एफ तक सब पढ़ में नहीं आना चाहिए. एस ए टू एफ उसमें होना चाहिए. ऐसा एक वर्ड बताना सेंटेंस. एफ ए सी ई डी गलत आंसर है. गलत आंसर. अरे रे अब मैं अतिथि गण से हैंड प्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि किन्हें इसका इस सवाल का आंसर पता है. सर हमारे माननीय सर फीडबैक बहुत ही अच्छा. बहुत ही अच्छा. बहुत ही अच्छा. सर ने जवाब दे दिया. जूनियर देखिए फीडबैक इसका राइट आंसर है. सर इसका राइट आंसर फीडबैक है. अब हम पॉड सिस्टम कंपटीशन की तरफ जाएंगे जो मिस्टर फ्रेशर और मिसेस फ्रेशर को चूज करने का सबसे पहला राउंड है. तो आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर फ्रेशर और मिसेस फ्रेशर में वो आएंगे और एक एक करके क्वेश्चन अपना उठाएंगे और जो भी उस पॉड में कंटेंट रहेगा उसमें क्वेश्चन रहेगा वो आपको एक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. पार्टिसिपेंट फर्स्ट ईयर न्यू बॉय जो भी कंटेस्टेंट ने पार्ट लिए हैं वो लोग मस्ट स्टेज पर आए. जिसने भी किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है वो मंच पर आ जाए. आपके लिए कंटेस्टेंट होगा जो लिखा होगा. नेक्स्ट गेम होना है पॉड सिस्टम जिसका आप हिस्सा बनेंगे. जल्द से जल्द आइए. जिसने भी पार्टिसिपेट किया किसी भी इवेंट में वो सबसे पहले मंच पर आइए. सबसे पहले वो मंच पर आइए. जो भी लोग पार्टिसिपेंट हैं वो पहुंच जाइए मंच पर. इसके अलावा भी अगर कोई आना चाहते हैं इसके अलावा भी अगर कोई ऑडियंस से आना चाहेंगे न्यू वाइज में वो न्यू वाइज होने चाहिए. वो आना चाहेंगे वो आ सकते हैं. कोई भी न्यू वाइज जो फ्रेशर्स हैं अगर आना चाहेंगे तो मंच पर आ जाइए. इसके अलावा भी अभी किसी को नहीं क्वेश्चन. एक मिनट होल्ड करेंगे. आपके पास देखिए गेम का नियम है. आपके पास पर्चा रखा हुआ है. आपको किसी एक पर्चे को उठाना होगा. ठीक है. उसमें जो भी वन बाय वन सिंगल वन. ठीक है. कोई एक व्यक्ति मैं जिसका नाम लूंगा. एक मिनट मैं जिसका नाम लूंगा वो पहले पर्चा उठाएंगे. उसमें जो भी उनको आएगा वो एक्ट प्ले करना है. बबलू जी उठाइए. प्ले द सॉन्ग. सॉन्ग प्ले करेंगे. सिंग करेंगे. बबलू जी कोई भी एक सॉन्ग सिंग करके हमारे ऑडियंस को सुनाएंगे. लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ. तुमने भी शायद यही सो साइडी सुनाएंगे आप.
मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपने यादों का पैगाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपने यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तो मेरे हाथों में झंडू बांध दे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या और शायरी सुनना चाहेंगे आप? ऑडियंस से पूछते हैं, और शायरी इनसे सुनना चाहेंगे? नेक्स्ट 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 कुमार संगम जी। मैं हंसा वो हंसी और आगाज हो गई, मैं हंसा वो हंसी और आगाज हो गई, अरे मैं हंसा वो हंसी और आगाज हो गई, मैं उसका शाहजहां और वो मेरी मुमताज हो गई। बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट कुमार संगम जी, एक पर्चा उठाएंगे। इनका क्वेश्चन है गैस द ह्यूज एंकर नेम, अब हम कुछ प्ले करते हैं, साउंड में जो आवाज आएगी एंकर का नेम उनको बताना है। कुछ हम न्यूज प्ले करेंगे, न्यूज प्ले करने के बाद उसमें जो एंकर बोल रहे हैं उनका नेम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? ठीक है, सब डालो छिलको भी, ध्यान से सुनिएगा संगम जी, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक आवाज आएगी, उस आवाज को पहचानना है और उसका नाम बताना है आपको। मुझे ड्रग दो। आपको आवाज समझ में आई? सर देना चाहेंगे? रिपब्लिक भारत के हैं वो, एंकर का नाम है अर्णव गोस्वामी। नाम तो नहीं बता सकते लेकिन फेस याद है। शिवम, सही जवाब दिया उसने। अनिदर से ऑडियंस दे दिया। भारत के ही हैं, आप सही जा रहे हैं। आप कुछ गैस करना चाहेंगे नाम? मतलब हिंट अगर मिले तो बता सकते हैं। अर्णव गोस्वामी। अभी मैं इस कंटेस्ट को यहीं पर स्टॉप करता हूं। जो लोग इस पार्टिसिपेट में भाग ले चुके हैं वो ठीक है, बाकी जो बचे हुए लोग हैं हम उसका पॉज सिस्टम थोड़ी देर में कराएंगे, तब तक आप लोग थोड़ा होल्ड कर लीजिए, फिर से मैं आप लोगों को मंच पर बुलाऊंगा। यहीं रहिए, यहीं रहिए, यहीं रहिए, यहीं रहिए, बस दो मिनट के बाद। क्या नाम है उनका? उनका क्या नाम है अभी जो बोल रहे थे? क्या नाम? कुमार संगम जी। अगले कार्यक्रम के शुरू होने से पहले हम एक दो शायरी सुनना चाहेंगे मेरा वालम से, जो हमारे जूनियर बैच के स्टूडेंट हैं, ये शायरी बहुत अच्छे सुनाते हैं, तो एक दो शायरी का हम सुनना चाहेंगे। जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर भी शर्मीले हो गए, जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर भी शर्मीले हो गए, हम इधर प्रपोज करने में रह गए, उधर उनके हाथ पीले हो गए। बहुत ही अच्छा शायरी अभी सुना रहे थे महाराज जी, और मैं इनके शायरी को थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा कि मोहब्बत की हवा और मेडिकल की दवा, मोहब्बत की हवा और मेडिकल की दवा इंसान की तबीयत बदल देती है यारो, इंसान की तबीयत बदल देती है। अब मैं मंच विक्की जी लैब टेक्नीशियन इस कॉलेज के और सुनील जी इस कॉलेज के कलर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, और साथ में हमारे माननीय अतिथि को बुलाना चाहूंगा, वो उनका उनको सम्मान करेंगे। सुजीत राय जी सर, आप मंच पर आए और विक्की जी और सुनील जी को अप्रिशिएट करें। सामने आई
जोरदार तालियां हो जाए विकी जी के लिए। ये हमारे इस कॉलेज की जान है, रसायन की दुनिया में इन्हीं का नाम है, तो जोरदार ताली हो जाए। ये हमारे लेफ्ट के सीएम है, आपकी दवा दुआ इन्हीं पर डिपेंड करती है। जोर से तालियां बजाइए दोस्तों, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। सुनील जी पार्टी अभी चलती रहनी चाहिए, अभी तो पार्टी अब थोड़ा हम लोगों के चलते तुम लोगों थोड़ा ज्यादा बाध्यता रह गई है, थोड़ा सा अनुशासन कुछ ज्यादा ही हम लोग मेंटेन करा दिया। तो अब बुजुर्ग पीढ़ी से अनुरोध है कि नौजवान पीढ़ी के लिए जमीन छोड़े, और हम लोगों को ये उम्मीद है कि ये पार्टी याद रहेगी। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत यादगार आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए आखिरी से, सर के लिए आखिरी से, कि नजरों से हमने तुझको दिल का पैगाम भेजा है, नजरों से हमने तुझको दिल का पैगाम भेजा है, सर के लिए नजरों से हमने तुझको दिल का पयाम भेजा है, कबूल हो डरते डरते तुझको सलाम भेजा है, तोड़ना देना मासूम दिल को, दिल में जो भी था वो तुझको तमाम।